हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका उद्देश्य है आपके इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव करना। पिछले वीडियो में हमने डी से जुड़े हुए कुछ यूजेज का अध्ययन किया था। इस वीडियो में भी हम डी के यूज को ही कंटिन्यू करेंगे। तो इसका अगला रूल आपके स्क्रीन पर है। डी का प्रयोग ऐतिहासिक चीज़ों के नाम के पहले होता है। ऐतिहासिक चीज़ों में बहुत सारी चीज़ आती है, जैसे ऐतिहासिक साम्राज्य जिसको हिस्टोरिकल एम्पायर कहते हैं, एग्जाम्पल द रोमन एम्पायर, द मुगल एम्पायर, ETC। ऐतिहासिक जाति जिसे हिस्टोरिकल कास्ट भी कहते हैं, जैसे द निग्रोज, द आर्यंस। कुछ ऐतिहासिक स्थान जिसको हिस्टोरिकल प्लेस कहते हैं, जैसे द गांधी मैदान, द पिरामिड आदि। ऐतिहासिक वंश जिसे इंग्लिश में हिस्टोरिकल डायनेस्टी कहते हैं, जैसे हम कह सकते हैं स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश, द मौर्यन डायनेस्टी, मौर्य वंश। इसी तरह से ऐतिहासिक इमारत जिसको हम हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स कह सकते हैं, जैसा है द ताजमहल, द रेड फोर्ट अर्थात लाल किला। इसी तरह से ऐतिहासिक घटनाएँ जो होती हैं जिसको इंग्लिश में हिस्टोरिकल इवेंट कहते हैं, एग्जाम्पल है द बैटल ऑफ पानीपत, द रशियन रिवोल्यूशन यानी रूस की क्रांति, द फ्रेंच रिवोल्यूशन फ्रांस की क्रांति, द सिविल वॉर आदि। इसी प्रकार ऐतिहासिक अवधि यानी काल के आगे भी डी का प्रयोग होता है, जैसे द रेस्टोरेशन पीरियड, द मिडिल एजेस, द ओल्ड स्टोन एज जिसे पूरा पाषाण काल कहते हैं। तो ये सब जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं जिसका अध्ययन आप भी आपने किया है, इनके आगे डी का प्रयोग होता है, जिसे आपने एग्जाम्पल में भी देखा है। अब हम डी के अगले यूज में चलते हैं जो आपके स्क्रीन पर है। डी का प्रयोग नहरों अर्थात कैनल्स, हवाई जहाज़ों अर्थात एरोप्लेन्स, समुद्री जहाज़ों अर्थात शिप्स तथा रेलगाड़ियों यानी ट्रेन्स के नाम के पहले होता है। हम इसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, द स्वेज कैनाल जिसे हम स्वेज नहर कहते हैं, द शारदा कैनाल जिसे शारदा नहर कहते हैं, तो इनके आगे ये आता है। इसी प्रकार से हम रेलगाड़ियों का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, द राजधानी एक्सप्रेस, द श्रमजीवी एक्सप्रेस आदि। समुद्री जहाज़ का भी एग्जाम्पल लिया जा सकता है, द विक्टोरिया, द विक्रांत। हवाई जहाज़ भी हम लोग देख सकते हैं, द कश्मीर प्रिंसेस, द मेघदूत आदि। तो नहर का नाम हो, हवाई जहाज़ हो, रेलगाड़ी हो या समुद्री जहाज़ हो, इनके नाम के आगे डी का प्रयोग होता है, जिसका एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा है। अब हम अगले रूल की ओर चलते हैं जो आपके स्क्रीन पर है। डी का प्रयोग नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स अर्थात नागरिकता दर्शाने वाले शब्दों के पहले होता है, जैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं द इंडियंस, द एशियंस, द चाइनीज़, द फ्रेंच ETC। सेंटेंस में भी हम इसका एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं, द इंडियंस आर लेबोरियस, या एग्जाम्पल और कर सकते हैं, द जापानीज आर पैट्रियोट। हालांकि इन नागरिकता सूचक शब्दों का प्रयोग जब कंटेबल नाउन के रूप में हो तो आवश्यकता अनुसार उनमें हम ए या एन का यूज भी कर सकते हैं। हम कह सकते हैं एन इंडियन, एन अफ्रीकन, अ चाइनीज, अ फ्रेंच मैन, ए पाकिस्तानी, एन इंग्लिश मैन ETC। इसका हम सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं, आई सा अ चाइनीज इन दैट होटल। अब हम डी के अगले यूज पर चलते हैं जो आपके स्क्रीन पर है। डी का प्रयोग इन्वेंशंस अर्थात आविष्कार की गई वस्तुओं के नाम के पहले होता है, जिसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, दी टेलीविज़न जिसको दी टीवी भी कह सकते हैं, दी टेलीस्कोप, दी टेलीफोन, दी सिनेमा ETC। सेंटेंस के रूप में भी इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, हु इन्वेंटेड दी वायरलेस। तो इसमें वायरलेस के आगे दी आया है, इसको हम हु इन्वेंटेड वायरलेस नहीं लिख सकते हैं बिना दी के, सेंटेंस गलत होगा। हालांकि ध्यान देने वाली बात है कि आविष्कार की गई वस्तुओं का प्रयोग जब काउंटेबल नाउन के रूप में हो तो ज़रूरत के मुताबिक उसमें हम ए या एन का
प्रयोग करते हैं। जैसा कि हम कह सकते हैं, मैंने बाज़ार से एक टीवी खरीदा, आई बाउट अ टेलीविज़न सेट फ्रॉम मार्केट। वहाँ दी टेलीविज़न सेट का यूज़ नहीं होगा, या दी टेलीविज़न या दी टीवी का यूज़ नहीं होगा, ए का यूज होगा। हमने उसका प्रयोग कॉमन नाउन के रूप में किया है। हालांकि जब टेलीविज़न का प्रयोग वॉच के साथ किया जाता है, तो वॉच टेलीविज़न होता है, ना कि वॉच दी टेलीविज़न होता है। या ऑन टेलीविज़न लिख सकते हैं, ऑन टीवी लिख सकते हैं, तो यहाँ दी नहीं लगता है। जबकि रेडियो जब बोलेंगे या अन्य आविष्कार की बात करेंगे, जैसे लिसन टू दी रेडियो, तो वहाँ दी लगाना होगा। टेलीविज़न में ध्यान होना चाहिए कि दी का प्रयोग इस स्थिति में नहीं होता है। विशेष परिस्थिति में, जैसे हु इन्वेंटेड, इस सब स्थिति में दी आता है। नहीं तो जनरली इसमें दी का प्रयोग नहीं करते हैं। कॉमन नाउन की तरह जब यूज हो तो हम ए लगाते हैं, जिसका एग्जाम्पल अभी अभी हमने ऊपर देखा है। अब हम दी के अगले यूज पर चलते हैं, जो आपके स्किन पर है। दी प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग प्लुरल नाउन के रूप में व्यक्तियों का वर्ग बताने के लिए होता है। जैसा कि हम कह सकते हैं, दी रिच, दी रिच मीन्स हुआ अमीर लोग, अमीर लोगों का वर्ग। दी इलीट, उच्च वर्ग, उच्च कोटि के लोग। दी पुअर, गरीब लोग। तो इसको ये ध्यान रखना है कि यहाँ दी पुअर्स नहीं होगा, दी रिचेज नहीं होगा, दी इलीट्स नहीं होगा, वहाँ हम एस लगाएंगे नहीं। दी के साथ सिर्फ एडजेक्टिव आएगा, ना कि एस एस लगेगा। हाँ, दी रिच को रिच पीपल कह सकते हैं, दी पुअर को पुअर पीपल कह सकते हैं। हालांकि सिंगुलर दर्शाने के लिए, अर्थात ए एन लगाने के लिए, उस एडजेक्टिव के बाद किसी नाउन का प्रयोग करना होगा। जैसा अगर हम बोलना चाहें एक अमीर आदमी, तो होगा अ रिच मैन या अ रिच पर्सन, या ए रिच न होगा और ना ही ए पुअर होगा, इस तरह से नहीं होगा। दी पुअर मीन्स गरीब लोग, दी रिच मीन्स अमीर लोग, लेकिन एक जब दर्शाना हो तो अ पुअर मैन या अ रिच मैन या पर्सन, इस तरह से हम प्रयोग करते हैं। तो आज के वीडियो में हमने दी से जुड़े हुए कुछ यूजेज का अध्ययन किया है। अगले वीडियो में भी हम दी के यूजेज को ही कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इस वीडियो सीरीज के साथ बने रहें। धन्यवाद।